गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ साक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस बाय रंजन सर। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को पढ़े देखिए और उसमें जो आपको फीलिंग होता है, जो फॉल्ट होता है, उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, है ना। तो ये बताइए कि हम आपको डेमो, तीन डेमो दे चुके हैं, आज आपको चौथा डेमो है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर डेमो में हम टॉपिक बदल बदल कर पाते हैं। जैसे ही 12 या 13 डेमो हो जाएगा उसके बाद हम आपका एक चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। पहले तो सिलेबस बता देंगे, उस सिलेबस में आप कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिएगा कि फिजिकल पढ़ना है कि ऑर्गेनिक पढ़ना है कि इनऑर्गेनिक पढ़ना है, लेकिन पहले हम लोग 12 या 13 डेमो पढ़ लीजिए। तो आइए, आज डेमो नंबर क्या है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का शॉर्ट है, केमिस्ट्री का डेमो नंबर 4, आज फोर्थ डेमो क्लास है। तो चलिए, फोर्थ डेमो क्लास में देखिए टॉपिक क्या है बाबू, मॉलिक्यूलर वेट। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि डबल टी को पढ़ेंगे वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनुभार। अनुभार ना बोल करके एक इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह से आप साइंस में मैथमेटिक में पढ़े होंगे कि डिफिनेशन कहीं पर देते होंगे, परिभाषा देते होंगे, तो पदार्थ के जगह वस्तु लिख देते होंगे, वस्तु के जगह पदार्थ, तो यहां चलेगा। लेकिन यदि पदार्थ और वस्तु में तुलना किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, तो दोनों के अर्थ में चेंज हो जाता है। हमने पढ़े, बड़े समझो, आप मैट्रिक में पढ़े होंगे कि किसी का डिफिनेशन दे रहे हैं तो पदार्थ के जगह वस्तु और वस्तु के जगह पदार्थ लिख देते हैं तो चलता है, लेकिन जब दोनों में कंपेरिजन किया जाता है तो दोनों का अर्थ चेंज होता है। ठीक उसी तरह से यहां पर पढ़ाते समय, किसी टॉपिक को समझाते समय मॉलिक्यूलर वेट के जगह मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के जगह मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, या मॉलिक्यूलर मास के जगह मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं तो चलेगा। लेकिन अगर दोनों में तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है, इसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। समझ में आया? तो हम दोनों का कंपेरिजन करके दिखाएंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी होता है अनुभार, और मॉलिक्यूलर मास का हिंदी होता है आणविक, आणविक, आणविक द्रव्यमान। याद हुआ बाबू? मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी अनुभार, मॉलिक्यूलर मास का हिंदी आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब आइए, एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है, AMU, 9 क्लास में पढ़े होंगे दोस्त, AMU, A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट। ए का मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास, यू का मतलब यूनिट। पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। आइए बाबू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक का हिंदी हो गया परमाणु, और मास का हिंदी हो गया द्रव्यमान, और यूनिट का हिंदी हो गया इकाई। इसका हिंदी हुआ बाबू परमाणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलिए समझो बढ़िया से, मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी अनुभार, मॉलिक्यूलर मास के जगह आणविक द्रव्यमान,
हमने एक बात बताया है कि कोई टॉपिक को पढ़ाते समय, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय, कोई टॉपिक को व्याख्या करते समय अगर आप अनुभार के जगह आणविक द्रव्यमान लिख देते हैं या आणविक द्रव्यमान के जगह अनुभार लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन यदि दोनों में तुलना किया जाए तो दोनों का अर्थ चेंज हो जाता है। माने किसी का डिफिनेशन दे रहे हैं, किसी का परिभाषा दे रहे हैं, अनुभार के जगह आणविक द्रव्यमान लिख दिए या आणविक द्रव्यमान के जगह अनुभार लिख दिए तो वहां पर चलेगा, लेकिन अगर दोनों में तुलना किया जाए तो उसका अर्थ में चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? हम आपको बता दें कि अगर आप साइंस में वस्तु की जगह पदार्थ या पदार्थ की जगह वस्तु लिख देते हैं तो वहां पर गलती काटा नहीं जाता है। इसीलिए यहां पर भी अनुभार की जगह आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की जगह अनुभार लिखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत? आइए तो एक बात और बताइए, आप मैथ में जब मैथ बनाते होंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे, अगर कोई मात्रक नहीं पता लगता है, बढ़िया से समझो, मेंसुरेशन हो या ट्रिगोमेट्री हो या और वगैरह वगैरह मैथ हो, तो कहीं पर हम मैथ बनाते हैं और जहां पर कोई इकाई कोई मात्रक पता नहीं लगता है तो वहां पर लिख दिया जाता है इकाई स्क्वायर। बढ़िया से समझ आ जाए, मान लिया जाए कि मेंसुरेशन में हम एक का मान निकाले 10 और प्रॉब्लम में ए इंडिकेट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में ए प्रॉब्लम से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यहां पर कोई कौन मात्रक है, सेंटीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर है, अगर कोई मात्रक मालूम नहीं होता है तो वहां पर लिख देते इकाई। कोची बोलो इकाई। ठीक उसी तरह से अगर क्वेश्चन से अनुभार और आणविक द्रव्यमान का कोई मालूम ना पड़े, बढ़िया समझा जाए, अगर मैथ में अगर कोई मात्रक महसूस नहीं होता तो वहां पर इकाई लिख दिया जाता। ठीक उसी तरह से अगर न्यूमेरिकल बना रहे हैं, अनुभार और आणविक द्रव्यमान का इकाई क्वेश्चन से स्पष्ट नहीं हो रहा है तब उसको यहां पर लिखा जाता है AMU। बढ़िया समझो, अगर हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आंकिकी प्रश्न बना रहे हैं और हम बनाने के क्रम में अनुभार और आणविक द्रव्यमान का कोई मात्रक महसूस नहीं हो रहा कि ग्राम में लिखे कि किलोग्राम में लिखे, अगर पता नहीं लग रहा है तब वहां पर अंत में आप क्या लिख देंगे AMU। AMU मतलब क्वेश्चन से मात्रक स्पष्ट ना होने पर, क्वेश्चन से मात्रक स्पष्ट ना होने पर अनुभार को AMU में व्यक्त किया जाता है। एक बार समझाए, क्वेश्चन से मात्रक स्पष्ट ना होने पर अनुभार या आणविक द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बता बाबू अनुभार या आणविक द्रव्यमान को किस रूप में व्यक्त किया जाता है तो किस रूप में, बोलो AMU। AMU कब? जब क्वेश्चन से मात्रक स्पष्ट ना हो तब। तो AMU का पूरा नाम बोलो, AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई। यहां तक समझ में आया? फिर बोलो मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी बोलो अनुभार या मोलिकुलर मास का हिंदी बोलो आणविक द्रव्यमान। अगर क्वेश्चन से कोई मात्रक स्पष्ट ना हो तो दोनों के मान को AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU का पूरा नाम बोलो, A का मतलब एटॉमिक मास, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट, जिसका हिंदी होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तब चलिए हम मोलिकुलर वेट को, मोलिकुलर वेट क्या है, मोलिकुलर वेट किसको कहते हैं, अनुभार क्या है, अनुभार से हम क्या समझते हैं, इस पर हम जिक्र करते हैं। तो आइए बोर्ड पर एक बार देखा, हाँ दोस्त मेरे बाबू समझिए कि आखिर मोलिकुलर वेट क्या है, किसको मोलिकुलर मास कहते हैं। तो आइए हम आपको एक स्टेप बताए थे, एक कंसेप्ट बताए थे कि केमिस्ट्री में जिसकी फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में जिन राशियों का सूत्र होता है वो अधिकांशतः पराया कंपाउंड या यौगिक का उदाहरण होता है। एक बार और समझा जाए, केमिस्ट्री में जिन चीजों का, जिन राशियों का अणु सूत्र होता है
वो अधिकांशता कंपाउंड यानी यौगिक का उदाहरण होता है। तो अपनी लाइफ में चूना पत्थर, अंग्रेजी में कहते लाइम स्टोन, चूना पत्थर अंग्रेजी में लाइम स्टोन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। आइए इसको समझाते हैं एग्जांपल के माध्यम से। चलिए बाद चूना पत्थर अंग्रेजी में कहेंगे लाइम स्टोन, जिसका सूत्र होता है CaCO3। तब बताओ मेरे भाई चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो बता सूत्र हुआ। तो अभी कंसेप्ट हम बताए हैं कि जिसका सूत्र होता है वो किसका उदाहरण होगा? यौगिक का होगा यानी कंपाउंड का होगा। तो चूना पत्थर किसका उदाहरण हुआ बाबू? कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में हम कहते हैं यौगिक। समझा जाए? पता चूना पत्थर कहने से किसका बोध हुआ? यौगिक माने कंपाउंड। अब आइए इस यौगिक में कौन कौन है अब बताइए। सीए का मतलब हो गया कैल्शियम, कैल्शियम। सी का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन। और ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो पढ़िए मेरे भाई, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से तत्व का उदाहरण है। तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन कहने से एलिमेंट्स, एलिमेंट्स माने तत्व। बढ़िया से हमको समझाओ पहले, बढ़िया से। चूना पत्थर कहे तो कोची का बोध हुआ यौगिक का, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन कहने से काची का बोध हुआ तत्व का। हम आपको बताए होंगे कि हर तत्व का अपनी एटॉमिक मास होता है, हर तत्व का अपनी एटॉमिक मास होता है, अपनी परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यह पहला तत्व कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान बताओ 40, कार्बन का बताओ बाबू 12, ऑक्सीजन का बताओ बाबू 16। पढ़े तो बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इस सब को जोड़ दीजिए, सब को क्या करिए बोलिए, जोड़िए। और जोड़ने से जो आएगा वही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। बढ़िया समझो, चूना पत्थर कहने से यौगिक, चूना पत्थर कहने से यौगिक। यौगिक में कौन कौन तत्व है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो हर तत्व का अपना एटॉमिक मास होता है। बताओ बाबू, हर तत्व का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माने परमाणु द्रव्यमान। तो बोलो भाई, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। सबको जोड़िए, जोड़ने से जो आएगा मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका क्या? बढ़िया से बताइए, चाहे तो हमको जो कंपाउंड का निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका समझ लो। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पूछे उसमें देखो कि कौन कौन सी तत्व है। जिस कंपाउंड का, जिस यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो देखो कि उसमें कौन कौन तत्व है। सभी तत्व के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। एक बार सुन लो, जिस यौगिक का अणुभार, अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना, अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना, उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्व के एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। फिर बढ़िया समझो, जिस यौगिक का हमको अणुभार या क्या निकालना, आणविक द्रव्यमान, उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो डिफिनेशन सुना जाए बढ़िया से, क्या थी? कि किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्व, डिफिनेशन दे दो,
किसी कंपाउंड में, कंपाउंड को अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक, क्या किसी यौगिक में उपस्थित तत्व, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व, तत्वों का काजी बोल बाबू एटॉमिक मास को क्या करेंगे, जोड़ेंगे ऐसा ही है। बताओ यौगिक में उपस्थित कौन होता है, तत्व, तत्व का काजी बोल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माने जोड़ेंगे तो जोड़ने से जो आएगा वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा ही फिर समझे। यौगिक में उपस्थित कौन तत्व, तत्वों का काजी बोल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ को ही हम लोग दूसरा भाषा में कहते योग, योग को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। डिफिनेशन समझे बढ़िया से, तक क्या लिखेंगे कि किसी कंपाउंड में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एटॉमिक मास के योग को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, अनुभार कहते हैं। बढ़िया से समझो, पता कोची, किसी यौगिक में, यौगिक में कौन उपस्थित है, तत्व, तत्वों का काजी जोड़ते हैं एटॉमिक मास, जोड़ने के बाद जो आता है वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो डिफिनेशन ये हुआ, क्या लिखेंगे कि किसी कंपाउंड में उपस्थित, सुना लगा मॉलिक्यूलर वेट का डिफिनेशन सुनो, किसी कंपाउंड में उपस्थित, किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के एटॉमिक मास के योग को मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार कहते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। याद हुआ, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के एटॉमिक मास के योग को, याद हुआ, किसी यौगिक में उपस्थित, बताओ बाबू चलेंगे कहां से, यौगिक में, यौगिक में कौन होता है, तत्व, तत्वों का काजी बोल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। लास्ट डिफिनेशन समझो, लास्ट वन क्या लिखेंगे, किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के एटॉमिक मास के योग को मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार कहते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है। इसके मान को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। तो आइए इसी चीज को हम बोर्ड पर लिखते हैं। याद हुआ क्या चीज, किसी कंपाउंड में उपस्थित, किसी कंपाउंड मतलब यौगिक, और एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, दो चीज को याद करो, कंपाउंड मीन्स यौगिक, एटॉमिक मास मीन्स परमाणु द्रव्यमान। तो आइए इस चीज को हम बोर्ड पर लिखते हैं। दोस्त जो हम आपको बताए उसी चीज को लिखे हैं, यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्ड आता है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारी आदत है कि कहीं के ऊपर लिखते रहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी होता अनुभार, मॉलिक्यूलर मास का हिंदी होता आणविक द्रव्यमान, ये सब याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो दिमाग में सेट कर लेना है। मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी अनुभार, मॉलिक्यूलर मास का हिंदी आणविक द्रव्यमान। देखिए भाई, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास लिख करके अंडरलाइन और डैश दिया, यहाँ पर कंपाउंड है, कंपाउंड का हिंदी यौगिक, एटॉमिक मास है जिसका हिंदी परमाणु द्रव्यमान। तो क्या लिखे डिफिनेशन, किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के एटॉमिक मास के योग को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अब ये क्या है, किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के एटॉमिक मास के योग को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं यानी अनुभार कहते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है। इसको या इसके मान को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। कब, जब क्वेश्चन से कोई मात्रक अस्पष्ट नहीं हो। समझे बढ़िया से, दो तीन पॉइंट समझो सारांश में। अगर किसी टॉपिक को पढ़ाते समय, किसी की व्याख्या करते समय अगर आप अनुभार के जगह आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के जगह अनुभार लिख देते हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट समझिए, हमने क्या बोला, पहला पॉइंट समझ कि किसी टॉपिक को व्याख्या करते समय अनुभार के जगह आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के जगह अनुभार लिख देते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी पॉइंट समझो बढ़िया से, दूसरी पॉइंट,
कोची क्या अगर क्वेश्चन से मतलब नोमेरिकल बना रहे हैं, आंकिकी प्रश्न बता रहे हैं, आंकिकी प्रश्न बना रहे हैं, अगर क्वेश्चन से कोई मात्रक स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर अनुभार को एएमयू में लिखा जाता है। कोई दिक्कत? जो हम समझाए उसी को लिखे, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन लिखे हैं, किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के एटॉमिक मास के योग को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है। इसको इसके मान को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको उदाहरण समझिए। एग्जाम्पल बाबू, पहला मीथेन, कोची बाबा मीथेन या मीथेन पढ़िए, याद कीजिए मीथेन का सूत्र होता CH4। अब हमको मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकलेंगे बाबू? जिसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कुछ मत करो, उसमें जो जो तत्व है, जो जो एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मास को क्या कर दो, जोड़ दो। कोई दिक्कत है बाबू? तो बताए उदाहरण के रूप में मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। तो आइए हम मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी बोल अनुभार। चलिए बताओ विद्यार्थी जी, बताओ मीथेन में कौन कौन तत्व है? कार्बन, मतलब सी मतलब कार्बन, तो बताओ कार्बन एक गो है, जोड़ हाइड्रोजन चार गो है। अब सभी तत्व का एटॉमिक मास बताओ। कार्बन का 12 बताए होंगे, हाइड्रोजन का 1 बताओ बाबू, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, चलो भाई 12 जोड़ 4 बराबर 16। 16 बताओ यहां पर कोई मात्रक नहीं है तो हम क्या लिखते हैं? ए एम यू। पहले समझिए और उदाहरण बताते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल समझो बाबू, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अगर क्वेश्चन में पूछे या आपसे कोई पूछे कि इसका अनुभार यानी आणविक द्रव्यमान बताओ, अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल, बताओ ये सब याद रखना है। अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान माने मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट कहने से अनुभार का बोध होता, माने मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी अनुभार, मॉलिक्यूलर मास का हिंदी आणविक द्रव्यमान। तो चाहे तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, चाहे तो आणविक द्रव्यमान निकालना हो, दोनों का निकालने का तरीका एक ही है। तो आइए हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, हिंदी बोल भाई, अनुभार। तो क्या करना, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का क्या तरीका है कि जो यौगिक दिया हुआ हो तो यहाँ यौगिक के रूप में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में कौन कौन तत्व, तो सी माने कार्बन, एच माने हाइड्रोजन, ओ माने ऑक्सीजन, सभी तत्वों के एटॉमिक मास निकाल कर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही हो गया मॉलिक्यूलर वेट। आइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट बता रहे, कार्बन 6 गो है तो 6 गुने सी प्लस, नीचे से बनाते दोस्त, यहां से आइए यहां पर नहीं, अच्छा लिख दीजिए यहीं पर, कार्बन 6 गो तो 6 गुना सी जोड़ हाइड्रोजन 12 गो है, 12 गुना एच जोड़ ऑक्सीजन 6 गो है, 6 गुना ए। अब बताइए, हम आपको बताए होंगे कि कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16,
सबके मान पुट करो, 6 × CC माने कार्बन, ता कार्बन का एटॉमिक मास 12, जोड़ 4 12, 12 × हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, जोड़ 6 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कैलकुलेशन करो, 12 × 6 = 72, प्लस 12 × 1 = 12, प्लस 16 × 96 बराबर 180। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं तो लिखेंगे AMU। बोलो बाबू, कोई पूछेगा ग्लूकोज का अणुभार या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 180 होता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, और देखिए चला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में लिख देते हैं पढ़ने के लिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्या फॉर्मूला होता है, CO2। अब चलिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ना लिख करके मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, तो आइए मॉलिक्यूलर मास निकाल दे, मॉलिक्यूलर मास, हिंदी बोल आणविक द्रव्यमान। चलिए तो बताओ बाबू, मॉलिक्यूलर मास बराबर कार्बन 1 है, जोड़ ऑक्सीजन 2 है, 2 × O। बोल कार्बन का परमाणु द्रव्यमान माने एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो बोलो कार्बन का एटॉमिक मास 12 जोड़ ऑक्सीजन का 16, हल करेंगे 44 कोची AMU। देखा जाए बढ़िया से, और आपको समझा रहे हैं, दोस्त यहां पर कट रहा है दोस्त आपका, रुक जाइए। C = 12 H = 1 देखते हैं, चलिए आ गया। वाह बाबू, और देखिए चौथा देखिए उदाहरण, देखो बउआ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, को हिंदी में कहते अम्ल। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है, दूसरा नाम यहीं पर लिख देते हैं दोस्त, इसी का दूसरा नाम है गंधकाम्ल। बोल छोटुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल ना कह करके गंधकाम्ल करेंगे, तो अगर एग्जाम में आ जाए या कोई पूछ दे कि गंधकाम्ल का अनुभार ज्ञात करो या अनुभार बताओ या अनुभार क्या होता है, तो सबसे पहले याद करो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अगर फॉर्मूला याद आपको नहीं रहे, अनुसूत्र याद नहीं रहे, तो आप मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार निकाल नहीं सकते। तो आइए सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधकाम्ल का अनुभार निकालते हैं। बोलिए मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 2 गोबा,
बीच में जोड़ दा सल्फर एक गो बा, ऑक्सीजन चार गो बा। अब हमरा बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बान सल्फर का 32 होता होगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। चलिए बढ़िए बाबा, बोलो दुगुने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, दो में एक से गुना करो दो, 32 जेम के 16 चौका 64, जोड़ दीजिए हो जाएगा 98 AMU। कोई दिक्कत है? और चलिए पांचवा उदाहरण देखिए, बेंजीन का नाम सुने होंगे, बेंजीन, बेंजीन का अणु सूत्र होता C6H6। अब आइए हमको बेंजीन का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। बोलो कार्बन 6 गो है, 6 गुने सी जोड़ हाइड्रोजन 6 गो है, 6 गुना एच, बार बार नहीं लिखते चलेंगे। बोल कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो 6 गुने 12, 6 गुना 1, 12 छके 72, 6 एकाइन 6, कितना हो गया 78 AMU। देखिए बढ़िया से और उदाहरण बता रहे हूं, बाबू तो इसको आप होमवर्क में बना लीजिएगा, 4-5 उदाहरण दिए इसको बनाइएगा, निम्न का मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट निकाले, ये पांचों का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, पहला नाइट्रिक अम्ल का निकालना, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना, तीसरा इथेन का निकालना, चौथा चीनी का निकालना, पांचवा इथाइल अल्कोहल, दोनों वर्ड लिखे है, अगर अंग्रेजी पढ़े ना आवे तो उसको हिंदी में लिख दिए। देखिए मेरे भाई, अब जिसका जिसका जो जो तत्व का एटॉमिक मास चाहिए, परमाणु द्रव्यमान चाहिए, देख लीजिए हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, कार्बन का 12, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कल हम आप इससे रिलेटेड और टॉपिक बताएंगे। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत है? ऐसे भी आप इसको मैट्रिक में पढ़े होंगे, और इसको अगर नहीं पढ़े तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मेन आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आपको कहीं पर आगे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे या न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम आपको बार बार पूछित रहेंगे कितना का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना होता है, इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।